आप सभी को मेरे से प्रणाम, ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का शास्त्री जी के ब्लॉग से। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आज आपको एक बहुत सुंदर पुस्तक की कुछ विशेष और कुछ भव्य जानकारी देना चाहूंगा। बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत प्यारी पुस्तक है। और ये पुस्तक आपको क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, और इस पुस्तक का नाम है उपचार मीमांसा। इसकी महिमा क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए, आप कभी कभी जानना चाहते हैं कि ना कि हमको शास्त्रीय प्रमाण चाहिए कि किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कि कोई भक्त है, वो दीपदान की महिमा को शास्त्रोक्त सिद्धांतों के साथ जानना चाहता है। अब इसके लिए वो इधर उधर देखता है कि किसके पास जाऊं, किसको ढूंढूं, किसको समझूं, कौन सही है कौन गलत है। अथवा कोई चाहता है कि मैं आचमन की विधि को ठीक तरह से समझूं, अथवा कोई चाहता है कि मैं अन्य पूजा पाठ के जो भी क्रम है उनको शास्त्रोक्त विधि से समझूं। कई भक्त ऐसे थे जो शास्त्रीय प्रमाण को ढूंढते हैं पूजन पाठन विधान में, तो उनके लिए ये उपचार मीमांसा सबसे अच्छी पुस्तक है, सबसे प्यारी पुस्तक है। अब इस पुस्तक को जब आप गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और ये मूलतः उनके लिए बहुत अच्छी है जो ना कर्म कांड पर बहुत रुचि रखते हैं। कर्म कांड में रुचि रखने वाले भक्तों के लिए उपचार मीमांसा सबसे प्यारी पुस्तक, जो सह प्रमाण सहित आपको दिए गए, वो भी शास्त्रोक्त प्रमाण। इसलिए आप भी इस उपचार मीमांसा के माध्यम से अपने शंकाओं का उपचार कर सकते हैं। बहुत सुंदर पुस्तक है यह। और आप भी चाहते हैं कि कोई धार्मिक वस्तु का आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित ईमेल पर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मात्र केवल धार्मिक वस्तुओं का ही, पुस्तकों का अथवा कोई धार्मिक वस्तु चिन्ह हो उनका यह इस चैनल पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता, संपर्क आप साध सकते हैं ईमेल के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उपचार मीमांसा, जो सुंदर सा छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत भारी ज्ञान इसके अंदर है, क्या क्या इसकी महिमा, क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या दिया गया है विशेष, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने उपचार मीमांसा, ये एक पुस्तक ग्रंथ है, श्री विद्या साधना पीठ वाराणसी, है ना, प्रकाशन है यहाँ पर। और देखिए, प्रारंभ में एक प्रमाण दिया गया है कि ये शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते कामकारतः न सिद्धि मम आपनोति न सुखम न परांगतम। अर्थात जो शास्त्रीय विधियों के अनुसार कार्य ना किया जाए ना, वो कार्य कभी सुख देने वाला नहीं होता। इसलिए आपको उपचार मीमांसा के अंतर्गत शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त होते हैं, सबसे अच्छी बात हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं, प्रातः स्मरणी चरणाह श्री करपात्र जी, धर्म सम्राट श्री करपात्र जी महाराज हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको देखिए, जैसे आप कई बार कोई प्रमाण ढूंढते हैं शास्त्र का, क्या हमें ये शास्त्र का ये प्रमाण चाहिए अथवा यह प्रमाण चाहिए, तो आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। मात्र केवल एक बार ये उपचार मीमांसा नामक पुस्तक ग्रंथ का आप ला सकते हैं और इसके द्वारा आप अनेकों अनेक प्रकार के शास्त्रीय प्रमाणों को एक ही ग्रंथ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर संपादन डॉक्टर प्रेमवती प्रपन्ना जी, प्रकाशक है श्री विद्या साधना पीठ है, वाराणसी के द्वारा प्रकाशित है ये। और ये सुंदर पुस्तक है, मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया के दिन ये प्रथम संस्करण है इनका। तो आप एक बार इस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको इसमें संपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांतों के साथ कौन सी वस्तु है अथवा क्या भगवान पर चढ़ना चाहिए, क्या नहीं चढ़ना चाहिए, आचमन की विधि क्या रहती है, हमने इसको पढ़ा। देखिए, जैसे आचमन की विधि क्या है, है ना, तो आपको उसका सारा प्रमाण प्राप्त हो जाता है ना, अनेकानेक ग्रंथों के द्वारा इसमें वर्णित किया गया हुआ है। और आपको और प्रकार की, जैसे पंचगंध में क्या क्या आता है, जैसे कई लोग जानना चाहते हैं पंचगंध क्या होता है, सर्वगंध क्या होता है, उसमें क्या क्या वस्तुएं सम्मिलित होती है, जो शैव भक्त होते हैं वो अष्टगंध लगाते हैं, तो उस अष्टगंध के अंदर आप क्या क्या देख सकते हैं, जल, हिवेर, केसर, कूट, रक्त चंदन, श्वेत चंदन, तमाल, अगरुम, कर्पूर, ये शिव अष्टगंध है। देखिए, तो यहाँ पर आपको ये प्रमाण प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर कभी कभी देखिए लिखा हुआ, कुमकुमेन विलप्यार्चम गौ सहस्त्र फलम लभेत, चंदन अगुरु कर्पूर शुक्ल पुष्प कुमकुम आदि से दुर्गा की पूजा करने से अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। देखिए, तो ये प्रमाण दिए कि गंधा विलेपनम की क्या महिमा है,
पुष्प विधान की क्या महिमा है, दुर्वांकुर की क्या महिमा है, दुर्वांकुर से पूजन करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है आपको, क्या क्या फल की प्राप्ति होती है आपको, देखिए तो प्रमाण सहित यहाँ पर बताया गया। इतना ही नहीं, भगवान शिव को कौन से प्रिय पुष्प है, दुर्गा जी के लिए प्रिय पुष्प क्या है, एक बार आप इसकी विषय सारणी को भी पढ़ सकते हैं। विषय सारणी में आपको मुझे लगता है कि प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं विशेष सारणी होगी, तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। देखो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो उपचार खंड के अंतर्गत सब कुछ बताया गया है ना, अनेकानेक प्रकार के उपचारों से भगवान का पूजन किया जाता है, पंच उपचार से, तीन उपचार से, दो उपचार से, एक उपचार से, 64 उपचारों से भगवान का पूजन किया जाता है। शंख घंट पूजन की विधि क्या है और शंख घंट पूजन का प्रमाण क्या है, स्नान की विधि क्या है, महिमा क्या है, देखिए सब कुछ आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग पूछते रहे कभी कभी, हमें ये प्रमाण चाहिए, ये विधान चाहिए, कहाँ से हमें प्राप्त होगा, तो इसी ग्रंथ से आपको प्राप्त होगा। तो चाहे तो आप इस ग्रंथ को लाएं, इसको पढ़ें, समझें अच्छी तरह से, और आपको संपूर्ण महिमा, देखिए दीपक की महिमा लिखी हुई है, दीप की, दीप स्थापन की महिमा, नैवेद्य की महिमा, देखिए सब कुछ आपके सामने है। बस एक बार आपने इस ग्रंथ को लाना है, पढ़ना है, समझना है। ये उनके लिए विशेष है जो शास्त्रीय प्रमाणों पर विश्वास करते हैं और कुछ जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए सबसे उत्तम जो पुस्तक है उपचार मीमांसा, तो ये आपके सामने है, आप इसको लाइए। मुझे लगता है कि इसका ज्यादा मूल्य भी नहीं है। देखो और ज्ञान के लिए मूल्य की कोई कीमत नहीं होती। देखिए 50 रुपये मात्र मूल्य, फिर भी हम भक्तों के लिए अच्छी है ना। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार इस पुस्तक को लाएं और इसको भी आप पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रणाम, वंदन, ओम नमो भगवते रुद्राय।